नगवाल अंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के अध्यक्ष डॉ सुमन कुमार मिश्र ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि वर्तमान सत्र 2024-25 से विद्यालय में अब आर्ट, साइंस एवं कॉमर्स के अलावा कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम का पठन पाठन प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल कृषि विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाने वाला वाराणसी का पहला गैर निजी सहायता प्राप्त स्कूल होगा। कृषि विज्ञान के प्रैक्टिकल प्रयोगों के लिए समुचित कृषि भूमि उपलब्ध है। एक कौशल विषय के रूप में कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम प्रोफेसर नवनीत कुमार मिश्र, प्रोफेसर डॉ वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉ एमएमएस राजू के मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा। डॉ नवनीत कुमार मिश्र ने बताया कि कृषि में सीबीएसई पाठ्यक्रम बीएससी एजी पाठ्यक्रम की तरह एक उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम है। कृषि अध्ययन आपको अच्छे वेतन वाली नौकरियों जैसे कृषि वकील, खाद्य टेक्नोलॉजिस्ट, संचालन प्रबंधक, पारिस्थितिक विज्ञान शास्त्री, डेयरी फार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण की राह पर ले जाता है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल ने जर्मन भाषा को एक विषय के रूप में पठन पाठन में भी नई पहल की है, जिसके शिक्षक अमित कुमार सैनी हैं। ट्विंकल मोहंती प्राथमिक विद्यार्थियों को संस्कृत संभाषण सिखा रही हैं। दिव्यार्थ द्विवेदी एवं साकेत प्रजापति बच्चों को तेज बुद्धि, मजबूत चरित्र के साथ स्वस्थ शरीर विकसित करने में मदद करने के लिए स्कूल में अष्टांग योग सिखाते हैं। इस पत्रकार वार्ता में स्कूल की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य डॉ पी मधु, उप प्रधानाचार्य कृष्णावतार एवं शैक्षिक सलाहकार जयंती सावंत उपस्थित रहीं। और इस विद्यालय में हम लोग प्रथम बार जो है कृषि विज्ञान जो है वैकल्पिक विषय के रूप में जो है कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में परिदृश्य कृषि का परिदृश्य है, जैसा कि हमारे माननीय सर ने बताया कि आने वाले समय में अगर सबसे बड़ी समस्या होगी तो खाद्यान्न की समस्या होगी, क्योंकि भूमि हमारा जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सारी व्यवस्था उसी जमीन पे की जा रही है, चाहे वो आवास हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, और उसी के विपरीत भारतवर्ष की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में 2050 तक पानी की क्राइसिस आएगी। खाद्यान्न में पहले जो हमारे कृषि का जब विकास हुआ, विज्ञान की तरफ जब हम बढ़े, तो खाद्यान्न आपूर्ति हमारी इतनी हो गई कि आज भी हम जो है अपने गरीबों को खाद्यान्न मुक्त में भी जो है हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। अब जमीन की गुणवत्ता भी घटती जा रही है, जमीन का आकार भी, क्षेत्रफल भी घटता जा रहा है। तो आने वाले समय में किसानों के लिए, कृषि वैज्ञानिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे करें, जल हमारा कैसे संसाधित हो, जिसकी की आपूर्ति जो है, जिस तरह से भारत कहते हैं कि सोने की चिड़िया, तो जल पर्याप्त था, जमीन पर्याप्त थी, खाद्यान्न पर्याप्त था। और आज की परिदृश्य में अगर देखें, कला विज्ञान की, कला की तरफ बात करें, मेडिकल की तरफ बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो कृषि वैज्ञानिक अगर है या कृषि से उसने शिक्षा लिया है, तो उसे आज भी रोजगार की कमी नहीं है। तमाम तरह की कंपनियां आ गई हैं जिसमें कि विद्यार्थियों का जो है स्वतः समावेश हो जाता है, रोजगार मिलता है। तमाम तरह के उत्पाद आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और हमारे प्रसंस्करण विधियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में निरंतर जो है हमें कृषि शिक्षकों की या कृषि वैज्ञानिकों की या कृषि से जो भी संबंधित छात्र जानकारी लिया है, तो वो
पहले वाली खेती वो नहीं रह गई है जिसे कहते थे खेती मिस, सिर्फ धान गेहूं की खेती कर लेना। अरे उसमें तो अब जो है आपका पर्यावरण भी है, आपका जल भी है, आपका जलवायु भी है, आपकी खेती भी है, आपके जानवर भी हैं, आपके मत्स्य पालन भी है, मधुमक्खी पालन भी है, तमाम जितने भी अवयव हैं ये सब कृषि के ही संभाग हैं। और इसी के विपरीत जो है भूमि की उर्वरता क्षमता भी कम होती जा रही, तो बहुत बड़ी चुनौती है। सर बात की जाए तो जिस तरह से स्टूडेंट को खेती के विषय में जानकारी, सी एयर ऑनवर्ड्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर साइंस एज वन ऑफ द स्किल सब्जेक्ट फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। इट इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ वाराणसी एंड नियर बाई स्टूडेंट्स ऑल्सो। द मेन मोटो ऑफ ऑफरिंग एग्रीकल्चर साइंस इज 70% इंडियंस डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड 50% इंडियंस आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। इररेस्पेक्टिव ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, नाउ मेनी पीपल आर अवॉइडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड ऑल्सो बायो स्टूडेंट्स विल हैव ब्राइट फ्यूचर इफ दे आर फेल टू गेट नीट सीट इन मेडिकल एंड डेंटल। द थर्ड ऑप्शन दे कैन गो फॉर एग्रीकल्चर साइंस ऑल्सो। एंड देर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डायरी इंडस्ट्री एज वेल एज फूड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर लॉयर्स ऑल्सो एंड इवन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू IHS is the only private school offering agricultural science in Varanasi and surroundings, because irrespective of finance concern and other issues, my president is decided to introduce this subject in the view of benefit for the nation and students. मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृषि विषय बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो भी छात्र कृषि से 10+2 या BSc AG करता है वो प्लेसमेंट में बैंक में जाता है, मैनेजरों के फील्ड अफसर बनता है, वैज्ञानिक बनता है और बहुत से प्राइवेट संस्थाओं में जाता है। और हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी साइंस और ये मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के तरफ ना जाके कृषि को अपने विषय में सम्मिलित करें, जिससे वैज्ञानिक तरीके से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका कम जगह में ज़्यादा पैदावार हो, पर्यावरण शुद्ध हो, जल संरक्षण हो, ये मुख्य उद्देश्य है। 10 साल से हम लोग फार्मर सर्विस में हैं। आज डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा जी जो इतना बढ़िया इनोवेटिव आइडिया से जो इस प्रोग्राम स्टार्ट किया इज़ वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज कोई भी स्कूल में अभी तक इंडिया में इस लेवल पे जाके कोई स्टार्ट करना ही किया एग्रीकल्चर का। इस समय बहुत ज़रूरी, क्योंकि आने वाले में फूड हंगर इज़ मस्ट एक्चुअली, क्योंकि ज़मीन का खेती घटते जा रहा है और सभी लोग जो है दूसरी लाइन पे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर को जाके फार्मर को मदद करके, उसको सपोर्ट करके खेती करवाने में सब लोग जो है कोई मदद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उस लेवल पे बहुत बड़ा टीम की ज़रूरत है। तो ये अगर स्टूडेंट के साथ तो टीम बन जाएगा तो जो मैं रेडी हूँ उसको ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब्जेक्ट एक अलग पार्ट है, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेंस फार्मर के फील्ड में जाने के बाद बहुत ज़रूरी है। वो हम लोग जो टाई अप होके इस हिंदू इंटरनेशनल स्कूल में सर के साथ, आई वांट टू मेक ए नंबर वन टीम फॉर एग्रीकल्चर फार्मर को मदद करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 इम्पॉर्टेंट थिंग डेंजरस है। एक तो खेती के लिए तो फूड हंगर आने का जो संभावना है, एक तो मौसम साथ नहीं दे रहे, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उतना साथ नहीं दे रहे, और दूसरा जो बच्चे जो फार्मर के बच्चे भी वो भी इस लाइन पे ना आके और दूसरे लाइन पे जा रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर लाइन में आके फील्ड पे जाके काम करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी टफ जॉब। उस लेवल पे अगर हम फार्मर की मदद लेंगे, फार्मर खेती करना छोड़ देगा, क्योंकि उसको ना प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है, ना कोई गाइडेंस नहीं है। इस गाइडेंस में अगर सारी फार्मर्स अगर खेती छोड़ देंगे तो फूड हंगर इज निश्चित है। इसी समय बहुत ही आवश्यकता है जो स्टूडेंट लेवल से हम लोग जो ट्रेनिंग करके उसको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए जो भी आवश्यकता है हमारी कंपनी तरफ से, मैं पर्टिकुलरली बच्चों को ये ट्रेनिंग देके आई वांट टू मेक ए टीम फॉर सपोर्ट टू द इंडियन एग्रीकल्चर फॉर फार्मिंग कम्युनिटी।